नमस्कार। गोदी मीडिया का खेल देखना है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। बहुजन समाज की न्यूजों को कभी नहीं देती सुर्खियां फ्रंट पेज पे या फिर फ्रंट की टाइम टाइम पे, कभी भी आप मीडिया में नहीं देखेंगे बसपा की कोई भी न्यूज। लेकिन अगर बात हो विवादों की तो आप देखेंगे सुर्खियों में सबसे पहले आपको बसपा सुप्रीमो नजर आएंगी, और वो भी आपको वाद विवादों के ऊपर। तब दिखाती है गोदी मीडिया आपको मीडिया के अंदर। हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने 3 तारीख को एक समीक्षा मीटिंग करी, और समीक्षा मीटिंग के अंदर यूपी में हार का और जगह हार का एक समीक्षा करनी थी, जिसके अंदर पदाधिकारियों और सभी प्रभारियों को उसमें इनवाइट करा और भोज भी रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही समीक्षा मीटिंग खत्म हुई, वहां से निकलने के बाद न्यूज़पेपर ने हेडलाइंस बनाना शुरू कर दिया कि बस मायावती में आई दरार, अखिलेश में आई दरार, और अलग अलग टॉपिक्स से तरीके से प्रेजेंट्स करके शुरू कर दिया इस प्रेजेंटेशन को। लेकिन शाम होते होते इस घटना का लखनऊ से एक मैसेज वायरल हुआ, और उस वायरल मैसेज में लिखा कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है बसपा सुप्रीमो ने। जब ये मैसेज लोगों तक पहुंचने लगा, लेकिन ये बात सिर्फ बहुजन लोगों तक थी जो व्हाट्सएप पे अपडेट रहते हैं ग्रुप वगैरह में, या उन लोगों तक पहुंची। लेकिन ये बात पूरे देश में नहीं, देश प्रदेश सब जगह वायरल हो चुकी थी कि इस तरीके से स्टेटमेंट आने लगे हैं। जब अखिलेश यादव से इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नो कमेंट्स बोलकर इस बात को बंद कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने अगले दिन अपनी प्रेस रिलीजिंग लॉन्च करी, और उसके अंदर अपने आप को 11 बजे ANI मीडिया के सामने लाइव आने को कहा। और जब लाइव आए तो उन्होंने पूरा अपना जो भी बात थी, जो समीक्षा मीटिंग के अंदर बात थी, वो उन्होंने रखी। उन्होंने EVM की बात करी थी, उन्होंने अपनी बूथ कमेटीज को कैसे अच्छा बना सके इसके ऊपर बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि काशीराम साहब की देन है बसपा, और बाबा साहब के सपनों को साकार करती है बसपा, और उन्हीं पे हमें कार्य करना है। इन सब बातों पे समीक्षा हुई थी। लेकिन उन्होंने जब 11 सीटों पर अपनी जो लोकसभा की सीटें हैं 11, उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार ये स्वयं अकेले लड़ेगी, सपा बसपा दोनों मिलकर नहीं लड़ेंगी। उसका एक कारण उन्होंने बताया कि जिस उद्देश्य से गठबंधन हुआ था वो उद्देश्य इतना सफल नजर नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लड़ने की बात करी, ना कि जो मीडिया दिखा रही है कि सपा का वोट बसपा को नहीं पड़ा और बसपा का वोट सपा को नहीं पड़ा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सपा और बसपा के दोनों समर्थकों ने अपनी जी जान लगा के बहुत अच्छे लेवल तक इस गठबंधन को सार्थक बनाने के लिए वोट डाला है। और उन्होंने बातों ही बातों में एक बात और कही कि जो बसपा है, बसपा एक कैडराइज पार्टी है, और कैडराइज तरीके से लड़ती है और मिशनरी तरीके से लड़ती है, और बहुजन समाज के लोग हमेशा संघर्ष में रहे हैं और संघर्ष की तरीके से ही कार्य करते हुए आए हैं, जो सपा को, लोगों को, सपा के वोटरों को ये बात सीखनी चाहिए। और उन्होंने एक बात साफ तरीके से क्लियर कर दी कि हमारा गठबंधन टूटा नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर दोबारा उसी गठबंधन को लेके फिर दोबारा साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी ना दबाना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट खबरें आप तक आ पाएंगी वो सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं 8588000751। आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।